लो, ये भी कोई बात है दिल पे लेने वाली भला? तुम ना अपने दिमाग पे जोर डालो। डायरेक्ट जहेज ना देने का ताना दिया उन्होंने। तो डोंट वरी, आदम उन्हें समझा देगा कि जहेज एक लानत है। तुम्हारी सुनाओगे इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात इग्नोर कर दूं। क्या इग्नोर? अब्बा को बताओगे? देखो तुम तो सेट हो जाओगे एक ना एक दिन, लेकिन अब्बा के दिल से बात निकलेगी? मैं बहुत हर्ट हूँ उनके। आई नो इट्स नेचुरल, लेकिन मेरी प्यारी बहना, घर बसाने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। तो लड़कियां जरा जरा सी बात पर मैं के आगे बैठ जाती हूँ, तुम्हें पता है उसका क्या अंजाम होता है? क्या मतलब? भाई देखो, तुम्हारा तो वक्ती गुबार खत्म हो जाए, लेकिन मैके वालों के दिलो दिमाग से ये चीजें नहीं निकलेंगी। इसीलिए कह रही हूँ, सुल्तान अंकल को इग्नोर करो, सीरियस मत लो। उनकी तो अपनी औलाद उन्हें सीरियस नहीं लेती। तुम इतनी समझदार कब से हो गई हो? जब से दिल को छोड़कर दिमाग से सोचने लगी तब से। अरे तौबा तौबा तौबा, अरे देखो तो जरा, कारोबार पहले ही ठप पड़ा है और ये तुम्हारा और माँ का रिश्ता भी ठप करवाएगा। अनु क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? कम से कम तुम्हारे बाप जैसी बातें तो नहीं कर रही। अलो कैसे मुंह फाड़ के कह दिया बच्ची को? बेटा अपने अब्बा से पूछ लो, सर फाड़ के बता देंगे। कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मेरी कोनी ठीक हुई है। इमली जरा जाओ ना, अपनी भाभी के पास जाओ और जाके देख के बताओ कि सिचुएशन क्या है। आदि भाई गए तो है। अरे वो तो खुद जाके वहाँ पे टिक्की हो गया होगा, कुतुब साहब की लाइब्रेरी में, उनसे बातें करोगा अजीब अजीब, अमीनो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड वाली। अरे नहीं भाई, इतना भी मेंटल नहीं है, हो सकता है कोई ढंग की बात ही कर रहा हो। वो और नेहा कोई ढंग की बात करें? एक्सक्यूज मी, भाई की बात में दम तो है। अरे तू तो चुप कर टिड्डी, नहीं है कोई रिश्ता मेरे पास, यहाँ तो पहले वाले दाव पे लगे हुए। नानो कोई तो खैर का जुमला मुँह से निकालिए करें आप। वो निकाल रहा होगा ना खैर के जुमले मुँह से, तुम्हारा वो चटखारे वाला आदम। तो मार दो मुझे, मार दो मुझे, एक कुर्सी भी ना दी, कुछ नहीं था मेरे पीछे। अच्छा चोट तो नहीं लगी? नहीं, अब वैसे ही बैठूंगी मैं भी। ऐसे क्या देख रही हो, फिटकार बरस रही है मेरी शक्ल पर। ऐसी तुम जरा जरा सी बातों पे लोगों के गिरेबान पकड़ते रहे ना, तो खुद का फील हो जाओगे इस मामले में भी। वो इतनी सी बात नहीं थी, मैंने सारे क्लास फेलोज के सामने ताना दे रहा था तुम्हारा नाम लेकर। तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा था? मुझे तुम मेरी दोस्त हो इसलिए, तुम्हारे लिए क्या मेरे लिए एक ही बात है। एक बात तो बताओ, ये तुम लड़के मोहब्बत में ही आकर इतने केयरिंग क्यों हो जाते हो, मतलब दोस्ती में क्यों नहीं हो सकते? अरे तुम ये बताओ कि लड़कियां किसी भी चीज को सीरियस क्यों नहीं लेती जब तक उनको खुद मोहब्बत नहीं हो जाती किसी? क्या शादी से पहले अगर सारी मोहब्बत कर लें तो बाद में क्या बैठ के टफली बजाएंगे साथ? तुम अपने एंगेजमेंट के लिए रेडी हो? ओ, छोड़ो इन फजूल बातों को और महा को समझाने के लिए थैंक यू। बाय बाय। इससे पहले भी केयर करता था, नोटिस नहीं किया।